की खबर फिर आई है, हैरान कर देने वाली। मरीज का कटा पैर दोनों टांगों के बीच रखा है। डॉक्टरों ने मरीज के पास रखा उसका कटा पैर, ट्रेन से कटा था व्यक्ति का पैर। अनूप श्रीवास्तव, एक और संवेदनहीनता की खबर। अनूप, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि जिला अस्पताल का ये मामला है जहां पे हृदय विदारक घटना हुई है। एक व्यक्ति जो ट्रेन की चपेट में आ गया, उसका पैर कट गया। उसके बाद इसको जब जिला अस्पताल लाया गया तो इलाज करने से पहले उसका दोनों पैर वहां पे रखा था। काफी देर तक जब वहां पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने जब उसकी वीडियो या फोटो खींचनी शुरू की तब वहां के डॉक्टर हरकत में आए, उसके बाद जाके वहां से पैर हटा गया। कहीं ना कहीं बड़ी संवेदनहीनता डॉक्टरों की उजागर हुई है और ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी आप देख लेंगे झांसी में जब एक व्यक्ति का पैर कटा था तो उसको सर के नीचे रख दिया गया था। सबक नहीं लिया अनूप इन लोगों ने इस मामले में? सीएमएस या सीएमओ का क्या बयान है? देखिए, हमारी जब सीएमएस से बात हुई कि इससे कोई कार्रवाई की जाएगी तो उन्होंने कहा इसे कार्रवाई लायक कोई बात नहीं है, वो अपने से जो है कटते नजर आए, कहीं ना कहीं वो सवाल टालते नजर आए। राहुल, मरीज का पैर कैसे कटा, अनूप ये भी बताइए आप। जी, आपको बता दूं कि कल शाम की ये घटना है। मरीज जो है रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था, नगर कोतवाली के करौंदिया रेलवे ओवरब्रिज के पास नीचे जो है रेलवे ट्रैक वो पार कर रहा था, उसी समय ट्रेन की चपेट में आ गया था जिससे इसका पैर एक मिनट। अनूप, सीबीएन त्रिपाठी सीएमओ है सुल्तानपुर के, वो हमारे साथ खुद जुड़े हैं। झांसी में भी इस तरह की त्रिपाठी जी घटना थी और उसके बाद यहाँ भी, आप क्या एक्शन लेंगे इन लोगों के खिलाफ? ऐसा है, हाँ, वो कोई कार्रवाई तब की जाएगी जब कोई उसकी गलती पाई जाएगी। हाँ, अभी जो स्थिति है मरीज उसी तरीके से लाया गया जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक 108 सेवा से लेकर के आती है। हाँ, तो उसका जिस कंडीशन था उस कंडीशन में लाया गया। उसके बाद आप दूसरा तीसरा फोटो देखिए, तुरंत उसका जो है पट्टी की गई, साफ किया गया, वो तुरंत जिस कंडीशन में आया था उस समय का फोटो है। उसके बाद उसको रख नहीं दिया गया, जैसे पैर अगर कहीं नीचे कहीं भी रखा जाता तो यही कहा जाता वहां क्यों रख दिया गया, वो उसी पोजीशन में आया था। उसके बाद उसकी पट्टी करके कर दिया गया, उसको दे दिया गया। वो अपना लोग अक्सर लखनऊ ले आते हैं, उनके अंदर मनोवृत्ति रहती है कि वो ठीक हो जाएगा तो लेकर के उस पैर से चला गया था। एक मिनट सीएमओ साहब, योगेंद्र यति भी जुड़े हैं सीएमएस सुल्तानपुर, ये क्या हुआ आपकी निगरानी में? यही इलाज सही किया गया है। हाँ, और वीडियो जो वाला वीडियो है वो इलाज की पहले का है, जिस कंडीशन में लाया गया था उससे पैर अलग था। इलाज के समय और इलाज के बाद बढ़िया इलाज हुआ था, कोई सिम्टम नहीं आ पाएगी। लापरवाही कोई नहीं, सब लोग उपस्थित थे और आर्थो सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने देखा है। मेरी बात करा दो। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रमन पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रमन जी, मैं समझना आपसे ये चाहूंगा, यहाँ तो सीएमओ ये बता रहे हैं कि उसी हालत में लाया गया, वो बेहोश था, रख दिया गया। सीएमओ साहब, सीएमओ साहब बता रहे हैं कि इलाज जिस वक्त इलाज के लिए लाया गया उस वक्त वैसा था। सीएमओ साहब ऐसा आप कह रहे हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को शर्म नहीं आती? इससे पहले ही कुछ समय पहले इसी तरह का एक मामला आया था जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने भी संज्ञान लिया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया था। एक तो पैर कटा है उसका, उसके बाद उसके दोनों पैरों के बीच में आप लोग पैर रख दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं दोनों लोग एक एक करके जवाब दीजिए, दोनों लोग एक एक करके जवाब दीजिए। मरीज आएगा? नहीं नहीं, दोनों लोग एक एक करके जवाब दीजिए दोनों। योगेंद्र यति जी, पहले आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सीएमएस हैं उस अस्पताल के सीएमएस हैं। ये जो वीडियो आया है उसमें दोनों पैरों के बीच में उसका कटा हुआ पैर रखा हुआ है, इसको देख के आप लोगों को शर्म आती है कि नहीं आती है? शर्म की बात नहीं है, आप शर्म की बात नहीं, यानी इतने बेशर्म हो गए हैं आप लोग कि आपको शर्म नहीं आती है? आप बेशर्म बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका इलाज ठीक से किया गया है, इलाज किया उपलब्ध था। आपको शर्म नहीं आती? आपको पता है 22 करोड़ की जनता देख रही है उत्तर प्रदेश की। मिस्टर यति मुख्यमंत्री सचिवालय में मॉनिटरिंग हो रही है, एक मिनट में आपका सस्पेंशन होना चाहिए मिस्टर योगेंद्र यति, आपका सस्पेंशन होना चाहिए। संवेदनहीन डॉक्टर का इस समाज में कोई स्थान नहीं है मिस्टर योगेंद्र यति। इससे पहले भी झांसी में मामला आया था और उसमें मुख्यमंत्री तक ने संज्ञान लिया था, सुनिए मुख्यमंत्री तक ने संज्ञान में लिया था और उसके बाद डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया था। झांसी में करेगा, ठीक है। नहीं तो आपको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाना चाहिए? उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता दिख रही है, वास्तविक बात कर रहा हूँ और सत्य सही है
और डॉक्टर ने इलाज नहीं किया है। नहीं तो आपको क्यों नहीं सस्पेंड करना चाहिए, आपके डॉक्टरों को क्यों नहीं सस्पेंड किया जाना चाहिए कि वो कटे हुए पैर को, कटे हुए पैर को बीच में रखे, ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? नहीं तो पैर अलग मिला था, अलग नहीं नहीं आप ये बताइए, प्रिजर्व करके पैर रखा जाता है, अलग मिला था वहाँ, एक मिनट, अलग मिला था, अलग रखा जाता है तो कहीं भी कटे, कहीं कहीं तकिया लगा देते हैं लोग, कहीं कहीं कटे हुए पैर उसको प्रिजर्व, आप डॉक्टर हैं यार, डॉक्टर की तरह बात कीजिए, आप डॉक्टर हैं ना, आपको पता है ना कि पैर को प्रिजर्व करके रखा जाता है, आप डॉक्टर है ना, प्रिजर्व करके रखा जाता है, अरे आपकी औकात है हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ाने की, फालतू बकवास मत कीजिए योगेंद्र रेड्डी जी, 22 करोड़ की जनता देख रही है, सुनिए आपको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाए, ये हम ट्वीट भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में ट्वीट कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, आपको टीआरपी दिख रही है इसमें, संवेदनहीनता का मामला है, इंसानियत का मामला है, आपको टीआरपी नजर आ रही है इसमें, और तत्काल इलाज चल रहा है, स्वास्थ्य कोताही नहीं की गई, सीवीएन त्रिपाठी जी आप खामोश रहिए, मैं सीवीएन त्रिपाठी जी से बात करता हूँ, सीवीएन त्रिपाठी जी ये योगेंद्र रेड्डी आपके जो सीएमएस हैं, ये किस तरीके से बात करते हैं, इनको बात करने का सेंस नहीं है, एक तो संवेदनहीनता है और दूसरी बात बता रहे हैं ये कि नहीं इलाज ठीक से किया गया है, और उल्टा वो बोल रहे हैं कि टीआरपी के लिए आप लोग करते हैं, इससे हमको टीआरपी क्या मिलनी है, ऐसा टीआरपी से उसका कोई संबंध नहीं है, जो आप इनके खिलाफ एक्शन कब ले रहे हैं ये बताइए, देखिए हम एक्शन इनके खिलाफ नहीं ले सकते, हम इंक्वायरी पे सेटअप करेंगे, आप इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, इनके अधिकारी नहीं है योगी, हम इस प्रकार सुनिए आप इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, 12 समाचार को बताइए, 22 करोड़ की जनता देख रही है, सचिवालय मॉनिटरिंग हो रही है, आप आश्वासन दीजिए कि आप इस मामले में इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, निश्चित मेव मैं आप इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं, आप बताइए उसके उपरांत जो होगा, नहीं आप बताइए कि इंक्वायरी आपने सेटअप कर दी जाएगी तो बिल्कुल कर देना, आप बताइए कि आपने इंक्वायरी सेटअप कर दी, भारत समाचार के लिसनर तुरंत बैठ करके अभी हम उसको टाइप करवा दिए हैं, अभी भिजवा देंगे, चलिए इनके खिलाफ योगेंद्र रेड्डी के खिलाफ क्या एक्शन होगा, नहीं इसमें हम कोई इंक्वायरी के बाद हम ऊपर के अधिकारियों को रिपोर्ट भेज देंगे, इनकी तो हमारे समकक्ष अधिकारी, हमको कोई अधिकार नहीं प्राप्त, चलिए चलिए आप इंक्वायरी सेटअप कीजिए, और इनका ये मिस्टर योगेंद्र रेड्डी है, ये हम ट्वीट करके भेजते हैं, मिस्टर योगेंद्र रेड्डी आप सुन रहे होंगे, यहाँ इलाज सही हुआ है, अब नहीं नहीं आप सुन रहे होंगे, आपको देखिए आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, और वाला काम किया उन्होंने, इलाज क्या है, आदमी बेहोश रहा था, बढ़िया आप नहीं तो ये पैर कहाँ से आ गया बीच में, ये संवेदनशीलता है आपकी, पैर वैसे लाया गया तो प्रिजर्व किया जाता है ना, तो पहले कहा ना, नहीं चलिए चलिए ठीक है, हम सचिवालय को आपके स्वास्थ्य मंत्री जी को ये सारा ट्वीट करते हैं, और फिर आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जैसे झांसी में सस्पेंशन हुआ था वैसे आपका भी सस्पेंशन होना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत के लिए, यहाँ इलाज बढ़िया हुआ है, नहीं नहीं आपका सस्पेंशन जरूरी है, ये हम भेज रहे हैं, सारी रिपोर्ट हम भेज रहे हैं, फिर उसके बाद आपके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे, और मानक इलाज हुआ है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रमन पांडे लगातार बात कर रहे थे, और योगेंद्र रेड्डी जिस तरह से बात करते